जय गोवर्धन गिरिराज। फ्रेंड्स, आज हम गोवर्धन गिरिराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये मंदिर का ही अंदर का प्रांगण है फ्रेंड्स, और मैं परिक्रमा मार्ग भी आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं सब परिवार अपनी सोसाइटी से निकल चुकी हूँ। देखिए, ये मथुरा शहर का व्यू है। यहाँ पर जो है शाम हो चुकी है, तो सभी लोग जो है अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। देखिए, सभी बिजी हैं, कुछ शॉप जो है बंद हो चुकी हैं। और आज जो है मथुरा शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि गोवर्धन गिरिराज के दर्शन शुरू हो चुके हैं, तो वहाँ पे हम सभी लोग जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर मौसम हुआ है, आसमान जो है कितना सुंदर हुआ है। अभी भी मथुरा में मान्यता है कि गिरिराज यानी कृष्ण जी जो है गोधूली में शाम को जो है गाय चराकर जब वापस लौटते हैं, तो गाय के धूल से ये पूरा आसमान जो है ऐसे धुआं धुआं सा हो जाता है। और देखिए आसमान का कलर कितना सुंदर हो जाता है, ऐसा कलर आप कहीं और जगह पर नहीं देख पाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए आसमान का कलर इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर हो जाता है। जो मान्यता है कि ये गोधूली के टाइम ऐसे ही मौसम पहले भी रहता था मथुरा का, इसीलिए जो है। मंदिर के सामने का व्यू है फ्रेंड्स, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। जय गोवर्धन गिरिराज। ये गोवर्धन गिरिराज जी का प्रवेश द्वार है, जिसमें जो है सभी लोग आ गए हैं। आज जो है GLA यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने छप्पन भोग करवाया हुआ है, तो सभी को बुलाया हुआ है। ये देखिए सभी लोग आए हैं। फ्रेंड्स, मंदिर में भजन चल रहा है, इसलिए मैंने जो है म्यूट कर दिया है। और ये देखिए, वीडियो बनाना या फ़ोटो खींचना यहाँ पर अलाउ नहीं है, फिर भी मैं दूर से ले रही हूँ, तो थोड़ा क्लियर नहीं आया हुआ है। आप लोग भी मंदिर का भगवान के दर्शन करिए और आनंद उठाइए। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है, और इधर जो है शिव जी का मंदिर है। पूरे प्रांगण में सभी लोग घूम रहे हैं, देखिए सभी लोग जो है दर्शन कर रहे हैं चारों तरफ। मंदिर में काफ़ी भीड़ है। ये माता रानी का मंदिर है, ये शेर है माता रानी का, और ये है संचाली देवी का मंदिर है। यहाँ पे पंडित जी सबको प्रसाद दे रहे हैं, देखिए। यहाँ पर जो है देखिए अखंड ज्योत हमेशा जलती रहती है, और ये परिक्रमा लगाकर फिर से हम लोग जो है गिरिराज के दर्शन करने जा रहे हैं। फिर वहाँ से जो है छप्पन भोग में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको जो है वितरित किया जाता है, उसको प्रसाद लेकर के हम जो है परिक्रमा करने जाएंगे। ये है शिव जी का मंदिर, बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स। ये नंदी बैल उनके साथ बैठे हुए हैं। ये शिव जी के यहाँ जो है पूरा परिवार यहाँ पर है शिव जी का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर में कंटिन्यू भजन चलता रहता है फ्रेंड्स, इसलिए जो है म्यूट करना पड़ रहा है। ये हैं GLA के चेयरमैन जो कन्या का पूजन कर रहे हैं, और जो है सभी को प्रसाद वितरित कर रहे हैं। देखिए सभी ने थैला ले रखा है प्रसाद का।
जय गिरिराज महाराज की। ये है गिरिराज जी के 56 भोग लगाए गए हैं। गिरिराज जी के साक्षात दर्शन कीजिए फ्रेंड्स। सभी को दर्शन नहीं मिलता है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो दर्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है। और जो है फ़ोटो और वीडियो बनाना तो एकदम अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने जो है बना लिया है। आप लोग दर्शन कीजिए, देखिए कितना सुंदर जो है सजाया गया है। और किस्मत की बात होती है, सब जो है यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। जय गिरिराज महाराज की। मैं जो है अपनी फ़ोटो भी कुछ शेयर कर रही हूँ। जय गिरिराज। यहाँ से फ्रेंड्स हमने जो है परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेन के ऐसे करना चाहिए, मेन परिक्रमा ऐसे है। चलेंगे, चल 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 चल। लुट के कौन चलता है, यही असली परिक्रमा है। सारा दिन रात लगेगा। ओके, पैदल चलने का मतलब होता है ब्रिज की वैली। दोस्तों मैं आपको बताती चलूं कि गिरिराज जी की परिक्रमा जो है 21 किलोमीटर में होती है। एक परिक्रमा जो है 12 किलोमीटर की है, एक जो है 9 किलोमीटर की है। बीच में जहाँ पर उन्होंने उंगली से उठाया था गोवर्धन पर्वत को कृष्ण जी ने, वहीं पे मंदिर बनाया गया है। और आप परिक्रमा दो भागों में बट गई है फ्रेंड्स। तो देखिए 12 किलोमीटर की जो है परिक्रमा हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, ये देखिए जो है अंधेरा भी हो गया है। लाइट की व्यवस्था है, हल्की है लाइट, अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो इसलिए व्यवस्था हल्की है लाइट की। और जो है पहाड़ दिख नहीं रहे हैं, रात में पहाड़ की तरफ जो है एकदम अंधेरा है, उस तरफ दिखाई नहीं देता है। ये हनुमान जी के हैं, फ्रेंड्स कुछ लोग जो है रोड पर चल रहे हैं, कुछ लोग इधर देखिए ये मिट्टी का रास्ता है, बालू बिछाई गई है और मिट्टी है, तो बिना चप्पल के जो चलते हैं वो इस तरफ से करते हैं परिक्रमा। और आप देखेंगे कि ऑटो भी या इलेक्ट्रिक साइकिल भी, इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चल रहा है, तो उस पर जो है जो नहीं चल पाते हैं तो उस पर चलते हैं, या ठेले पर भी चलते हैं, यहाँ पर वो भी व्यवस्था है। और बीच बीच में चेयर बनी है पत्थरों की, तो उस पर बैठने की भी व्यवस्था है, जो थक जाते हैं तो उसकी भी व्यवस्था है फ्रेंड्स। और देखिए सभी चले जा रहे हैं। जय शनि शंकर जी, शनि देव जी का मंदिर है। जय डर गया। हाँ अभी देखिए अंदर का ध्यान करिए, क्योंकि ये होता है। हेलो पर अंबर है, और बड़े ध्यान से बहुत भाव से माता जी का ध्यान करिए। खुद प्रखंड लेकर के खड़गम चक्र चाप रहता है बेटा, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, पैदल ही चलता है, चलते हैं ना परिक्रमा पैदल ही लगाई जाती है। जो नहीं चल पाते हैं गाड़ी से चलते हैं। रास्ते में बीच बीच में मंदिर भी हैं फ्रेंड्स, जो कि हम दर्शन करते हुए निकल रहे हैं। देखिए सभी लोग जो है चले जा रहे हैं। इस तरफ पहाड़ है और इस तरफ रोड है, और बंदर बहुत भयंकर हैं फ्रेंड्स, इसलिए जो है बीच बीच में मोबाइल भी बंद करना पड़ जा रहा है, क्योंकि मोबाइल छीन लेते हैं बंदर केला खाने के चक्कर में। सब उनको खिला रहते हैं। Thank you.
सोरी किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो मामा राम जी ने कंस को मारा था कि रावण को कंस को वो कृष्णा जी ने देखो तीनों सहेलियां बातें कर रही हैं राधे किशोरी कृपा करो। ये फ्रेंड्स गोवर्धन गिरिराज जी की मूर्ति बनाई गई है और यहाँ पे श्री बजरंग बली जी का मंदिर है। जय माता रानी की। और बड़े बड़े मंदिरों में मुंडन उतरवा रहे हैं चाचा। भगवान का मुकुटमाला 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये भगवान का मुकुटमाला 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये भगवान का मुकुटमाला 500 रुपये 500 रुपये भगवान का मुकुटमाला 500 रुपये। ये देखिए हमें एक परिक्रमा पूरी कर ली। अब ये छोटी परिक्रमा इधर जाएगी और ये परिक्रमा इधर जाएगी। आ रहे हैं दूसरी परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ होती है जो कि हमने एक परिक्रमा लगाई है। एक परिक्रमा हम बाद में लगाएंगे। हमारी 12 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हुई फ्रेंड्स। देखिए गिरिराज जी का मंदिर जस्ट सामने ही आ गया है। एक परिक्रमा जो है 12 किलोमीटर की होती है तो फिर गिरिराज जी का मंदिर बीच में आ जाता है, फिर जो है दूसरी परिक्रमा स्टार्ट होती है। तो बच्चे बहुत थक गए थे 12 बजे रात परिक्रमा यहाँ, इसलिए हमने जो है बंद कर दिया। अब दूसरी परिक्रमा जो है पीछे से लगाएंगे। गोवर्धन गिरिराज की जय। गोवर्धन महाराज की जय। इतना लाइट है कुछ पता ही नहीं चलता। फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे जो है सभी गिरिराज जी के दर्शन करें और दर्शनों का लाभ उठाएं। चलिए जय गिरिराज महाराज जी की। हम लोग वापस मंदिर में फिर आ गए हैं। देखिए मंदिर से फिर सीधे अपने घर जा रहे हैं। हम लोग यहाँ से प्रारंभ किए थे परिक्रमा और यहीं पे गिरा है। देखिए सब लोग जो है ये है गोवर्धन गिरिराज का मंदिर।